इश्विश बहुत बड़ी सुपरहिट हो गई थी। सबसे अजीब चीज हो गई थी कि इश्विश के बाद मुझे ऐसे मैसेजेस आते थे बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स से जिनका मैं फैन हुआ करता। जब मैं उनसे मिलता तो थोड़ा सा ऑकवर्ड, थोड़ा सा फैन बॉय मोमेंट होता था और दे वर वेरी नाइस। चुपचाप मेरे डैडी ये सब ऑब्जर्व कर रहे थे। और एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि बेटा ये बहुत ही अच्छा वक्त, तुम्हारी फिल्म सक्सेसफुल है, तुम सक्सेसफुल हो रहे हो, लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुमने ये कमाया है खुद, लेकिन ये ध्यान में रखना कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तुम्हें फेलियर्स भी देखने पड़ेंगे, लोग तुम्हें इतना पसंद नहीं करेंगे, इतने ऑटोग्राफ्स के लिए नहीं पूछेंगे, पर ये जिंदगी की उठाव चलाव जो है वो तो चलती है, लेकिन आप हमेशा एक लेवल पर रहें। तो मैंने कहा कि मैं कैसे इससे डील करूंगा। उन्होंने कहा कि बैलेंस, जब बहुत अच्छा होता है जिंदगी में तो आप खुशी लीजिए, लेकिन कुछ ओवर द टॉप पर भी मत जाइए। भगवान ना करे कुछ गलत हो जाए, कुछ फेलियर हो तो आप ज्यादा सैड मत फील, ये तो है जिंदगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन आपको हमेशा एक बैलेंस पर रहना चाहिए।